बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में शाहीन नगर में लेट इवनिंग में एक मर्डर हुआ करके इन्फॉर्मेशन आया था। ये इलियास नवाब करके आदमी है, इसके ऊपर बालापुर पुलिस स्टेशन में राउडी शीट है और इसके पहले कुछ इसके ऊपर केस भी रजिस्टर हुए जो कि ऑलरेडी कोर्ट में अभी चल रहे हैं, उनका फैसला आना भी बाकी है। तो इस आदमी का जो मर्डर हुआ है उसके ऊपर हमने तहकीकात शुरू कर दी है, सारी तुम्हारी टीम्स भी यहाँ पर पहुँच गई हैं। तो जल्द ही ये जो जिन लोगों ने भी इस कत्ल को अंजाम दिया उन सब लोगों को पकड़ लिया जाएगा हमारी तरफ से, और तब आप लोगों को अपडेट इन्फॉर्मेशन भी देंगे। तो किसी से दुश्मनी था इसका? वही हम लोग अभी इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी में पूरा मालूम हो के आएगा। लैंड डिस्प्यूट वगैरह थे? वही वही पूरी इंक्वायरी अभी कर रहे हैं, डिटेल में पूरी तफ्तीश कर रहे हैं, जैसे हमको डिटेल फैक्ट्स मिलेंगे आप लोगों को अपडेट करेंगे। ओके थैंक यू। मैं इलियास नाम का बड़ा भाई हूँ। ये करीब 2 साल से चल रही थी तनम तनी ये लोगों की, ये SOT में भी बुला के ये लोगों को वार्निंग देने लगाए और हमारे बालापुर PS में जो सो भास्कर साहब के सामने ठहर के जो सो वहाँ पे भी वार्निंग देने लगाए लोगों को, तुम लोग आज देखो तनम तनी के बात आने करना, ये जो भी है अंडरस्टैंडिंग में जितना भी होगा ये कंप्रोमाइज कर लो, दोनों मिल लो बोल के सर्कल साहब मिला के करके भिजाए। उनके बाबा हाफिज मारूस थे, मैं था, उसका बड़ा भाई, दोनों बैठ के बात करे, बात करने के बाद में जो सो ख़त्म करे बात को, ख़त्म करने के बाद में कुछ खुबा कॉलोनी में कुछ प्लाट वगैरह आए गए थे वहाँ पे लाका वाका डाल दिए उसके हमारे भाई के प्लाट पे जाके डाल दिए, तो जैसे इन्हों जाके कौन डालेगी बोल के लाका तोड़ के इनके लाका डाल लेके आ गए। डाल लेके आने के बाद में जो है सो यहाँ गली में से 3 बार गए, पहले मेरे कारखाने की गली में आए, वहाँ पे मेरे कैमरों में भी है बोलगा, फिर उसके बाद में ये गली में से गए, गली में से गए तो जो है सो कंप्लेंट करता हूँ बोल के बोले इन्हों इलियास मियाँ कंप्लेंट करता हूँ बोले, तो जकरिया बाम जो है सो आके नहीं नहीं कंप्रोमाइज नको करो, कंप्लेंट नको करो यार भाई, मैं बात करता हूँ, बात करके कंप्रोमाइज करके ख़त्म करा देता हूँ बोल के बोले। इसके गवाह आबिद मसूद भी है और अल्लाह आप सुने की जो अब्दुल खादर है, बच्चा है मोहम्मद, वो पूरे जने है और अजहर है, इसके विटनेसा हैं, वो लोग 8 जने आए थे, 8 जने जगरी आवाम जो सो बात कराता हूँ बोल के बोले, उन्होंने दवाखाने तक आए, दवाखाने से गायब हो गए, उन्होंने दवाखाने को आए थे उन्होंने, मैं जाके जब देखने के बाद में जो सो अलू चले गए, दूसरे को बोल के गए बोल के बोल रहे उन्हों, खैर गलत बात है वो, इन्हों साले मारू जकरी आवाम के तो दोनों के काम कारोबार पूरे थे, दफेदार की भी आप लोग वीडियो देख सकते, यूट्यूब पे है लिंक लगी हुई दफेदार की कैसा है मसला। अब रहा बात जो साले मारू का, साले मारू जकरी आवाम पूरे जने मेरे कारखाने की गली में आए थे, वहाँ पे है CCTV फुटेज, अब मैं निकाल के जो सो देता हूँ आप लोगों को भी देता हूँ, पहले वहाँ पे आए लगा सलाम करे, मैं बाहर अंदर से जो जवाब दिया आओ बोल के बोला, अंदर तो नहीं आए बोला, उधर चले गए, तो मैं बोला कुछ भी काम कारोबार से आए होंगे भाई, बोला मेरे भाई कने आएंगे बोल के नहीं मालूम था मेरे को, मेरे भाई कने आएंगे बोल के नहीं मालूम था, ये करीब करीब 9 बजे से पहले का वाक़ है, 9 बजे का टाइम है साहब उसके, हाँ एक 10-15 मिनट के बाद में जो है सो फोन आया मेरे को, ऐसा इलियास को मार दिया बोल के, बच्चा आजहर बोल के है बच्चा, उन्हें फोन करा ऐसा इलियास को मार दिए, कौन कौन बोले तो ला साले मारूस है, अबूबकर मारूस है, इस्माइल मारूस है और अबूबकर बिन अवेल बोल के है उन्हें है और नदीम है जिलानी है, ये प्लानिंग आ करके ऐसा काम करे बोल के, तो भी हैंड टू हैंड लड़ लेना था भाई, क्या था बोल देता था बता देता था ये, लेकिन ये मानना ये गैर गलत बात है भाई। खैर अब इसका जो भी होगा अंजाम इंशाल्लाह देखेंगे अपन, पुलिस से हम यही गुजारिश कर रहे हैं, यही गुजारिश कर रहे हैं कि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा होना, और ये लोगों का तो इतना जुल्म है साहब पूछो मत, ईंट की गाड़ी आई तो वहाँ गाड़ी नहीं आना, मट्टी की गाड़ी आई तो वो गाड़ी नहीं आना, ये गाड़ी नहीं आना वो गाड़ी नहीं आना, बहुत अजाब आ गए हुए रोडों पे के मट्टियाँ रेतियाँ लेके जाके बेच लिए हुए है समझे आप, ऐसा बहुत सारे चीज़ें हैं, वो जो भी है मैं पुलिस को बताऊँगा इंशाल्लाह। हम देखो काम करने काम कारोबार करने वाले मेहनत करने वाले जितना भी था उन्हें सब सब छोड़ छोड़ा के जो सो फिल्टर डाल लेके पूरा एक 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 काम कारोबार पे लगा हुआ था, अल्लाह के फजल करम से एक जाके फिल्टर 3 फिल्टर हो गए उसके, उस्मान नगर में एक, यहाँ पे एक, शहीन नगर में एक, 3 फिल्टर हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, सुकून से था उन्हें, सर्कल साहब खुद बोले हुए है क्या बोल के बोले सर्कल साहब तुम्हारे सुकून से तुम्हारे घर में रहो जी, गली पार नको करो, सब जो भी है दोस्त आते मिलते जाते तुम तुम्हारा सेफ रहो, अगर ऐसा कुछ भी रहा तो हमारे को फ़ोन करो बोल के बोले, अगर आपका किला भी घूम गया तो आप कंप्लेंट करो हमारे को बोल के बोले सर्कल साहब। अब देखो अब ये कंप्लेंट करे अब क्या होता देखेंगे अल्लाह मालूम, और हमारे पास पूरे CCTV फुटेज में है बोला पूरे आए गए सो मारने कर रहे, तो CCTV फुटेज दोनों DVR सर्कल साहब बोला जो तो आके लेके गए
में हुआ उसके। फोन में गेम खेल लेते हैं बच्चे, सब कामों पे पानी वानी डाल लेते बैठे हुए, छोटे बच्चे थे, बात करना है बोल के जैसे उठा के जैसे बात करना है बोल के अंधेरे में लेके आके मानने की कुछ करे, पूरा कोशिश करा करते उन्हें आने की। सीसीटीवी फुटेज में भी है वो, इंशाल्लाह आप लोगों को कल शाम तक देता हूँ मैं सीसीटीवी फुटेज। Thank you.